हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर आई एम मदीहा खान योर न्यू फ्रेंड हु इज यर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक पोम जिसका नाम क्या है एन एलिमेंट्री क्लास रूम इन अस्लम ठीक है एक एलिमेंट्री ठीक है एक एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम अब एलिमेंट्री का मतलब क्या हुआ एलिमेंट्री का मतलब हुआ बहुत बेसिक सा ठीक है प्राइमरी सा ठीक है जहाँ ज्यादा कोई हायर लेवल एजुकेशन नहीं हो रही ऐसा बेसिक सा एक क्लास रूम कहाँ इन अ स्लम, ठीक है स्लम एरियाज होते हैं ना जहाँ पे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं ठीक है जहाँ पे कूड़ा कचरा और कोई फैसिलिटी नहीं होती है उनको सीवेज ड्रेनेज की डेट इज स्लम ऐसे तो एरिया में एक छोटा सा बेसिक सा क्लासरूम ठीक है इसके ऑथर कौन है है एन स्पेंडर ठीक है इस पोम के या कौन है? है? स्पेंडर, ठीक तो इन्होंने इस पोम में क्या बताया है इसमें बताया गया है कि भाई एक स्कूल है ठीक है एक क्लासरूम है छोटी सी एक जगह है बस वहां एक क्लासरूम है ऐसे गरीब बच्चों के लिए ठीक है तो वो बच्चे कैसे हैं उनकी लाइफ कैसी है वहां ठीक है और क्या चाहता है उन बच्चों के लिए? ये हम इस में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रॉम गस्टिव दिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस स्वीट दाउंड पैलर द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड

फ्रॉम gusty gusty मतलब गस्टी एक गीज स्पीड में जो हवाएं चल रही हैं ठीक है ऐसे चिल्ड्रन हैं ऐसे बच्चे हैं जो कैसे लग रहे हैं रूटलेस क्या होते है? ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो कहीं भी उग जाते हैं हम नहीं चाहते उन्हें हम नहीं उगाते ऐसे प्लांट्स ठीक है तो वो बच्चे कैसे लगते हैं ऐसे बेजड़ से वो वाले प्लांट्स क्यों क्योंकि वो बच्चे कैसे हैं माल नरिश्ड माल नरिश्ड होना कुपोषण का शिकार होना है ना द हेयर द टॉल गर्ल विध हर वेट डाउन हेड अब इसमें देखो अलग अलग बच्चों के बारे में बात हुई है का मतलब पीला ऐसा होता है ना हम बहुत कमजोर होते हैं हमारा फेस वगैरह पीला लगने लगता है पैलर पीलापन तो पहले एक बच्ची की बात करें जो बहुत लंबी है टॉल गर्ल उसका जो हैड है वो कैसा है वेट डाउन हेड हुआ है किस वजह से क्योंकि वो हो सकता है कि परेशान हो बीमार हो ठीक है इन चीजों से दूसरा बच्चा है पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज एक ऐसा बच्चा जो तो कैसा है बिल्कुल पतला सा पेपर जैसा ठीक है जिसकी आईज कैसी रेड रेड साइज साइज का मतलब क्या हुआ पे कि उसकी आंखों में लालच है चीजों का है ना कि भाई ये होनी चाहिए चीज ऐसा द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग फादर्स नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क तीसरा बच्चा कैसा है एक बहुत अनलकी सा बच्चा है स्टंटेड छोटा कद ठीक है उसको क्या है उसके फादर से एक डिजीज मिली है ठीक है नाल डिजीज इनहेरिट करी है उसने ठीक है वो क्या कर रहा है अपनी डेस्क पे लेसन पढ़ रहा है एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज हिजाइज लिवज इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेर गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस एक और बच्चा है जो ऑथर को दिखता नहीं क्योंकि वो बिल्कुल पीछे बैठा है जहाँ पर थोड़ी लाइट कम है डिम है ठीक है वो क्या कर रहा है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है क्लास में उसको तो बाहर जो गिलेरिया खेल रही है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है ठीक है तो इसका एक एक्सप्लेनेशन भी देख लो द पोएट डिस्क्राइब्स द चिल्ड्रेन हू स्टडी इन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम एरिया ठीक है पोइट ने क्या बताया एक बच्चों के बारे में बताया है। जो कहाँ पढ़े एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम एरिया द राइटर द राइटर डिस्क्राइब्स दिस चिल्ड्रेन एज रूटलेस वीड्स बिकॉज दे वर माल नरिश्ड ठीक है वो माल नरिश्ड हैं बच्चे कुपोषित

ठीक है देन अनदर बॉय हु हैज इनहेरिटेड डिजीज फ्रॉम हिज फादर ड्यू टू विच ही हैज बॉडी ठीक है नाल्ड डिजीज होता है नॉटेड सा डिजीज जिससे ऐसी बॉडी लगती है आपकी डिफॉर्म द डिसेबल्ड बॉय इज सिटिंग ऑन हिज बेंच एंड इज रिसाइटिंग हिज लेसन और वो क्या कर रहा है अपनी बेंच पे बैठा और अपना लेसन पढ़ रहा है द पॉयट सो ए स्मॉल बॉय हु सिटिंग इन द डार्कनेस द पॉयट डिस्क्राइब्स हिज आइज एज ब्राइट एंड फुल ऑफ ड्रीम्स तो वो जो लास्ट वाला बच्चा है ना जो डिम साइड में बैठा हुआ है उसको देखते के ऑथर कहते हैं कि इसकी आंखों में ब्राइटनेस है ये सपने देख सकता है या सपने मैंने इसकी आंखों में देखा है कि ये देख रहा है ठीक है लेकिन उसका जो ज्यादा इंटरेस्ट था वो कहाँ था जो बाहर स्कूरल्स गिलहरिया खेल रही थी वहाँ क्लास में ज्यादा ठीक है क्लास से ज्यादा उसका ध्यान कहाँ था जो बाहर गिलहरिया खेल रही थी उनको देखने में ये क्लियर है चलो नेक्स्ट On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, riding all cities, belled, flowery, Tyrolese valley, open handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky. फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स ठीक है अभी क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि क्लासरूम कैसा था ठीक है तो इसके एक्सप्लेनेशन से पढ़ते कलर ऑफ सार क्रीम तो सार क्रीम जो है सार का मतलब होता है खट्टा ठीक तो है ठीक है तो वो जो वॉल्स है वहां की वो कैसी हैं सार क्रीम की तरह क्रीम कलर की है ठीक है इससे एक और चीज बताई जा रही है कि वहाँ की जो कंडीशन है उन वॉल्स की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है कपड़ी उतर रही है वॉल पे से गंदी सी है क्लीन नहीं है ये सारी चीज है ठीक है देयर इज अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन दी वॉल हिज हेड विच इज बाल्ड लुक्स लाइक द राइजिंग सन ठीक है वहाँ पे जो जो भी लोगों ने दान दिए हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे एक शेक्सपियर की पिक्चर भी है ठीक है और शेक्सपियर कैसे है वहाँ पे बाल्ड मतलब गंजे ठीक है गंजा बाल्ड का मतलब हो गया दिन जा तो वो कैसा लग रहा है जैसे सनराइज हो रहा है इस तरीके का लग रहा है द सेकेंड पोस्टर इज ऑफ द टायरोलीज टायरोलीज वैली वैली जो एक जगह है जहां पे क्या है बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर्स हैं ऐसी जगह है देर इज द इमेज ऑफ अ वर्ल्ड मैप फॉर दीज स्टूडेंट द वर्ल्ड इज द सीन दैट दे सी आउटसाइड ऑफ देयर क्लास रूम थ्रू द विंडो बिकॉज द स्लम वेयर दे लिव इज डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज शोन इन द मैप अब वो जो मैप लगा हुआ है ना तो उनके लिए वो कोई मान्यता नहीं रखता वो मैटर नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि जो वर्ल्ड उस मैप में दिखाया हुआ है ना वैसा तो उन बच्चों के लिए वो वर्ल्ड है ही नहीं वो दुनिया है ही नहीं उनके लिए तो बस दुनिया क्या है जो क्लासरूम से बाहर जो एक खिड़की है खिड़की से जो बाहर वो व्यू देख रहे हैं बस वही उनके लिए उनकी दुनिया है उससे बाहर कभी वो निकले ही नहीं फ्यूचर इज कम्पेयर टू स्ट्रीट विच मीन्स

कि उनका जो आगे जाके फ्यूचर है ना अगर यही हाल रहा तो कैसा रहेगा होपलेस रहेगा निराश भरा रहेगा कोई आशा नहीं होगी उनकी लाइफ में अंधकार में रहेगा ऐसा रहेगा ठीक है और ये जो बच्चे हैं ये बहुत दूर हैं इन सब चीजों से किन चीजों से पढ़ाई से है ना ज्ञान से बस वो एक बेसिक ही तो सीख रहे हैं वहां पे ठीक है ये क्लियर है आ जाओ नेक्स्ट शोरली Shakespeare is wicked. The map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes from the fog to endless night on their slag heap. These children were, wear. These children wear skins peeled through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉर्गी इस्लाम सो ब्लॉट देयर मैप्स विद इस्लाम एज बिग एज डूम इसका क्या मतलब हुआ द पोइट सेज दैट डीज चिल्ड्रेन हैव फेस सो मैनी प्रॉब्लम दैट दे फील एवरी अदर पर्सन टू बी देयर एनिमी ठीक है इन बच्चों ने इतनी मुश्किलें देखी हैं इतनी प्रॉब्लम फेस की कि उनको क्या लगता है कि हर कोई बस उन्हें हार्म ही करना चाहता है है ना देखा है ना अपने ऐसे गरीब बच्चे होते हैं कोई उनसे सिम्पत्ति नहीं रखता है पास में आएगा बच्चा तो लोग ऐसे हैं हट हट ऐसे करते हैं ना तो उन बच्चों को कभी किसी ने प्यार ही नहीं किया होता है तो उनके लिए क्या होता है हर कोई हर दूसरा बंदा उनको ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन है इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि वो शेक्सपियर को जानते तो है नहीं है ना बस उसकी एक पिक्चर लगी हुई है तो उनके लिए शेक्सपियर कैसा है इज विकेड विकेड मतलब दुष्ट इविल मैन ठीक है विकेट का मतलब होता है दुष्ट आदमी ठीक है दे डोंट फाइंड द मैप टू बी अ गुड थिंग दे वर नेवर लाइक् और लव्ड बाय एनीवन ठीक है तो जो मैप है वो भी उनके लिए कोई अच्छा एग्जांपल तो है नहीं क्योंकि उनका तो वर्ल्ड वैसा है ही नहीं जैसा मैप में दिखाया गया है उनका तो वर्ल्ड बस क्या है जो वो अपनी क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखते हैं ठीक है थीके? अगली चीज क्या बोल रहे हैं ये कि वो किसी से कोई उनको ना तो पसंद करता ना उनको प्यार करता और यही जो टेम्पटेशन है ना यही टेम्पटेशन इनको क्या करती थी मजबूर करती थी चोरी करने के लिए

स्किन में से नजर आ रही है होते हैं ना ऐसे बच्चे होते हैं कुपोषित जिनकी बोन्स पूरी पूरी नजर आ रही होती है उनकी स्किन स्किन से बाहर ही झाक रही होती है दे वेयर स्टील स्पेक्टिकल विच लुक लाइक स्टोन विच है With pieces of glass sticking out of them, ठीक है अब spectacles, spectacles का मतलब क्या हुआ चश्मा ठीक है चश्मा तो उनके जो चश्मे होते थे ना जो बच्चे बेचारे थोड़ी जिनकी आई साइट वीक होगी ठीक है उनकी आई साइट भी वीक इसलिए क्योंकि उनके उनको पूरा जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है माल नरिश्ड है वो बच्चे ठीक है तो अब क्या हो रहा है कि अगर कोई बच्चा है जिसकी आईसाइट वीक है तो उसके पास चश्मे भी कैसे हैं चश्मा भी ऐसा या तो कोई रिपेयर्ड चश्मा है या फिर कोई टूटा फूटा चश्मा है जो उनके ऊपर कैसा लगता था बॉटल बेल्ट का है येरा बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स तो के ऊपर कैसा लगता था कि जो कांच की बॉटलें उनके टुकड़े बिखरे हुए हो, इस तरीके का लगता था एज दीज इस्लाम्स आर गेटिंग बिगर दे विल डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रेन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सच किड्स टू एस्केप फ्राम दैम ठीक है और ये जो इस्लामी एरियाज हैं ना ये दिन बर दिन बड़े ही होते जा रहे हैं क्योंकि पॉवर्टी बढ़ रही है गरीबी बढ़ रही है लोगों के पास रहने की जगह नहीं है खाने को नहीं है तो ऐसा क्या होता है इस्लाम एरियाज में ही सब रहते हैं तो अब जैसे जैसे इस्लामी एरियाज़ बढ़ते जाएंगे ना उतना ही बच्चों के लिए मुश्किल होता जाएगा इन बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता जाएगा वहां से बाहर निकलना ठीक है ये है इस फ्रेज का एक्सप्लेनेशन ठीक है देखो इसमें एक चीज और है स्लाइली स्लाइली का मतलब होता है ट्रिकी ठीक है ट्रिकी ट्रिकली और स्लैग हीप तो स्लैग हीप का मीनिंग क्या कह रहा है यहाँ पे ऑथर स्लैग हीप का मीनिंग बता रहा है ऑथर कि इतना वहां कचरा है कि ऐसा लगता है कि बच्चे जो है कचरे के ढेर में ही पड़े हुए हैं ठीक है ठीके? क्लियर है ये मीनिंग्स नेक्स्ट अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर द मैप Becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh, break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books and books, the white and green leaves open history. they are whose language is the sun. Ab kya hai? Unless. अनलेस का मीनिंग हुआ जब तक ठीक है जब तक ये जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं बड़े या जो दान कर रहे हैं चैरिटी दे रहे हैं वो जो लोग हैं ठीक है थीके? तब तक वो क्या नहीं करते इनकी जो रियलिटी है ना जो विंडो इनका जो वर्ल्ड है उसको किस में कन्वर्ट नहीं कर रहे मैप में जो मैप में जो वर्ल्ड दिख रहा है उसमें है ना The poet says that the government should take charge of the problems being faced by these children. ठीक है तो poet का क्या कहना क्या क्या है कि जो government है जो officials हैं उनको क्या, क्या करना चाहिए responsibility लेनी चाहिए कि इन बच्चों की problem solve की जाए ठीक है ये जो problems ये झेल रहे हैं उनको कम किया जाए या उनका कोई उपाय निकाला जाए He wants the governor and public to help these children in achieving their dreams to make that map a reality to reality to them. ठीक है वो क्या चाहता है कि जो गवर्नमेंट है और जो ये जो लोग आते हैं विजिट करने इनको जो दान दे के बस चले जाते हैं ठीक है वो क्या करें इन बच्चों की हेल्प करें कि ये अपना जो ड्रीम है अपना जो सपना है वो अचीव कर पाए ठीक है उसको पूरा कर पाए और ये जो मैप वाली जो ये सोचते हैं ना कि मैप इज अ बैड एग्जांपल फॉर देम वो सोचते हैं कि मैप हमारे लिए तो कोई काम का नहीं है तो वो चीज उनकी रियलिटी में भी कन्वर्ट हो उनके लिए वो चीज जैसे हमारे लिए रियल है ना मैप उनके लिए भी वो चीज रियल हो इन दिस वे द चिल्ड्रन कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द डार्कनेस इन टू अ ब्राइट फ्यूचर अगर ये चीजें हो जाती हैं अगर गवर्नमेंट लोग मदद करते हैं बच्चों की तो क्या होगा जो उनका जो फ्यूचर डार्कनेस में जा रहा है ना उसको वापस ब्राइट साइड पर लाया जा सकेगा वो बच्चे हो सकता है बहुत अच्छे हों पढ़ने में ठीक है उनमें डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट हो तो वो टैलेंट लोग पहचानें उनकी मदद करें तो हो सकता है उनमें से कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ बन के निकल ही आए ठीक है तो ऑथर जो है वो ये चीजें चाहते हैं द पोइट वॉन्ट्स दैट दे शुड बी टेकन टू एरियाज विथ फील्ड्स एंड ग्रीनरी द सनी एटमोसफेयर एंड दाम्स सैंड ऑफ द बीच एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर विल कनेक्ट दैम एज दिस विल टू हंगर फॉर नॉलेज, ठीक है अब वो आगे क्या बताते हैं ठीक है पहले तो एक चीज बताते हैं वो ब्रेक ब्रेक, ओ ओपन, ठीक है क्या होते हैं? तहखाने, ठीक या तहखाना? तो क्या बोल रहे हो तो कि भाई इनको तोड़ो इनको तोड़ के इनसे बाहर निकालो इन बच्चों को जो तहखाने में फंसे हैं ना बच्चे उनको वहां से निकालो तभी वो जो है अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाएंगे डार्कनेस से अंधकार से रोशनी में आएंगे ठीक है अब ऑथर क्या कह रहे हैं आगे कि भाई ये जो बच्चे हैं ना इनको है ना ऐसी हरी भरी जगह में ले जाओ इनको ऐसे सनी एटमोसफेयर में ले जाओ जहाँ पे ये जो है सुनहरी रेत पे चले जब ये नेचर की ब्यूटी देखेंगे तो उससे क्या होगा इनकी भूख बढ़ेगी किस चीज की भूख नॉलेज की ज्ञान की कि हमें ये भी जानना है हमें ये भी जानना है हमें वो भी देखना है तो वो थोड़ी अपनी सीमा से बाहर आएंगे ठीक है देखो क्या होता है कभी भी कुछ भी, पाना हो, लाइफ में कुछ भी करना हो कुछ भी पाना हो ठीक है हमेशा हमें अपनी लिमिट से बाहर आके ही काम करना पड़ता है हमें हमारी लिमिट से बाहर आके ही मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके हम सफल होते हैं ठीक है तो ऐसे ही इन बच्चों के साथ है जब तक तुम इन बच्चों को इनकी लिमिट से बाहर नहीं निकालोगे इनकी सोच बढ़ाओगे नहीं आगे इनकी वो जो छोटी सी विंडो है जहां से बस ये स्लम एरिया देख रहे हैं उस विंडो को बड़ा करके दुनिया दिखाओ इन्हें दुनिया दिखाओ हर हरी भरी जगह दिखाओ ठीक है रेगिस्तान भी दिखाओ अच्छी सा सनी एटमोस्फेयर भी दिखाओ ठीक है तो इससे क्या होगा ये जो बच्चे इनकी भूख बढ़ेगी इनकी क्यूरसिटी बढ़ेगी ठीक है आगे क्या बोल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं ना यहाँ पेट देर टन इन टू बुक्स ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स सन उन बच्चों को बाहर निकालो उन बच्चों को बस पढ़ने दो ठीक है वाइट को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे बुक्स से उनको बुक्स पढ़ने दो ग्रीन को रिप्रेजेंट किया गया है नेचर से उनको नेचर देखने दो ठीक है एंड दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर डेमसेल्स और तभी वो बच्चे जो है अपना फ्यूचर अच्छा कर पाएंगे रोशनी में आ पाएंगे क्लियर देख लो एक बार नेक्स्ट अब इसका सार देख लो इस पोम की समरी देख लो द पोएट Describe the children who study in an elementary school in a slum area. The writer describes these children as rootless weeds because they were malnourished. The children are untidy, they haven't combed their hair, they were depressed and keep their heads down. They inherit the diseases of their parents, they do not have dreams. A sweet young boy is sitting unnoted at the back of his dim classroom. He is dreaming of a squirrels' game in the trees and

कुपोषित है फिर वो बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे कैसे थे एक तो लड़की थी ठीक है जो इल थी टायर्ड थी है ना और पॉवर्टी वजह से उसका हेड कैसा लगता था झुकावा ऐसा रहता था दूसरा बच्चा कैसा था इतना कमजोर था कि पेपर जैसा लगता था ठीक है कुछ बच्चे कैसे थे कि भाई उन्होंने अपने माँ बाप के जो बीमारियां थी उनकी बीमारियां वो इनहेरिट कर रखी थी इस तरीके के बच्चे थे फिर एक बच्चा ऐसा था जिसको ऑथर ने पहले नहीं देखा ठीक है उनकी नजर में नहीं आया क्योंकि वो कहाँ बैठा था डार्क साइड में उसको देखकर हाँ भी सपने हैं ये बच्चे भी सपने देख सकते हैं है, है, दूसरी इंटरेस्टिंग चीजें वो देख रहा था द डोनेशन गिवेन बाई पीपल एंड दिक्चर ऑफ क्रीमी वॉल्स बट दीज आर यूजलेस टू दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रेन There was map of this world, but for these children that world is meaningless. They are doomed to live in narrow streets closed in by the bluish ब्लू sky. ठीक है? अब जो लोग डोनेशंस देते थे डोनेशन देना दान देना तो उसमें क्या क्या चीजें थी एक तो शेक्सपियर की पिक्चर थी ठीक है कहाँ पे लगी हुई थी ये चीजें ऐसी गंदी सी एंटाइडीसी वॉल्स पे कौन सी वॉल्स पे सार क्रीम लाइक -like वॉल्स ठीक है उस पर लगी हुई थी एक मैप लगा हुआ था जो बिल्कुल मीनिंगलेस था इनके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं था इन बच्चों के लिए क्यों क्योंकि इनकी तो दुनिया बस क्या थी जो ये विंडो से बाहर स्लम एरिया देख रहे हैं बस उतनी ही थी ठीक है इन बच्चों का जो फ्यूचर था ना वो घिरा हुआ था ठीक है किससे एक ब्लूइश ग्रे ब्लूइश ग्रे स्काई नहीं होता ऐसा जब ऐसा बिल्कुल सैडनेस जैसा माहौल होता है तो हम ऐसे दर्शाते हैं उसको ब्लू ग्रीश ब्लूइश ग्रीन कलर से या ग्रे कलर से तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है उन बच्चों के लिए ठीक है द गवर्नमेंट सिस्टम विच मेक्स दिस स्लम इज द कॉज फॉर दिस पीपल टू लिव इन दैम द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इट फोर्सिस दैम टू लिव लिव इन दीज इस्लाम्स अब गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है ना क्योंकि वो इनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है जहाँ पढ़े हैं पढ़े रहने देती है उनको वहीं स्लम एरिया में रहते हैं एजुकेशन आजकल इतनी महंगी हो गई है ये बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते दे आर नॉट गिविंग द राइट टू ड्रीम बियॉन्ड दी दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द द पोएट रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू अलाउ दी चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ सो दैट दी मैप्स ऑन वर्ल्ड वॉल्स ऑफ द क्लास रूम बिकेम अ रियलिटी फॉर देम ठीक है अब ऑथर क्या रिक्वेस्ट करता है जो अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट है कि इन बच्चों को

ठीक है उन बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए बाहर हरी भरी जगह पे ठीक है उन स्लम से बाहर निकाल के उन बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए हरी भरी घास में हरी भरी जगहों पे ठीक है बीचिस पे ले जाना चाहिए उनको गरम-गरम जहाँ पे मिट्टी हो वहाँ ले जाना चाहिए कहाँ ब्राइट ब्लू स्काई के नीचे ठीक है जो उनका जो ब्लूश ग्रेस स्काई है उसको हटा के उनका स्काई उनको कहाँ ले जाओ बहुत प्यारे से स्काई में ठीक है जो कैसा है कैसा मेंशन किया है यहाँ पे ब्लू स्काई ठीक है इससे क्या होगा उनमें नॉलेज की भूख जागेगी दे विल अब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड ठीक है वो ये चीजें जब अब्जॉर्ब करेंगे जानेंगे इस चीज को अब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर तो वो क्या कर पाएंगे क्या कर पाएंगे अपना फ्यूचर बना पाएंगे फ्यूचर बना पाएंगे पढ़ पाएंगे अपना करियर बना पाएंगे ये सारी चीजें कर पाएंगे द पोम अ पावरफुल लाइन ठीक है अब पोम जो है एक पावरफुल लाइन पे खत्म हो रही है वो लाइन देखो हिस्ट्री देअर्स हुए दी सन ओपन हिस्ट्री देअर्स हुए सन ठीक है इसका मीनिंग देखो एक बहुत पावरफुल लाइन है ये जिसका मीनिंग क्या हैस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन ठीक है जो हिस्ट्री बनाते हैं ठीक है मतलब कुछ ऐसा कर जाते हैं वो क्या है वो कैसे लोग हैं हु शाइन लाइक द सन चमकते हैं सूरज की तरह ठीक है लेकिन सूरज में चमकने के लिए पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ता है ठीक है ऐसा नहीं कि बस इनको एजुकेशन दे दी तो ये ऐसा हो जाएगा नहीं उस लेवल की मेहनत भी करो ठीक है उस लेवल की मेहनत करोगे तभी जाके तुम कुछ कर दिखाओगे तभी जाके तुम सूरज की तरह चमकोगे ठीक है तो ये थी पोम ठीक है इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली हमने इसकी समरी देख ली हमने अब क्या बचा वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो गस्टी वेव्स ब्रीजी विंड्स ठीक है वो जो इंक्रीज्ड मोशन में आती हैं इंक्रीज्ड स्पीड में आती हैं वो पैलर पेल डल फेस पेल पीला है ना पीलापन आ जाना ऐसा मुरझाया हुआ सा फेस स्टंटेड पूरा जो बच्चा पूरा ग्रो ही नहीं कर पाया है माल नरिश्ड होने की वजह से जिसका कद छोटा ही रह गया है नोटेड, ठीक है, रफ, अनवांटेड प्लांट्स जो मैं चुकी आपको पेपर सीमिंग बॉय ऐसा बिल्कुल पतला सा लड़का जो कैसा लग रहा है शीट ऑफ पेपर जैसा एयर एयर सक्सेसर वारिस तार अनप्लीजेंट खट्टा डोनेशंस दान ठीक है जो चैरिटी में दी जाती है चीज

सील्ड बंद होना शर्ट लेड लेड को यहाँ किससे कंपेयर किया गया है बच्चों के फ्यूचर से ठीक है लेड क्या है वो जो लीड की पेंसिल आती है ना वो कैसा रहता है ग्रे ग्रे अजीब सा उससे ठीक है विकेड इविल दुष्ट टेम्पटेड परसुएड मैंडेड रिपेयर्ड हुई भी चीजें ठीक है ब्लॉट मैला दाग ठीक है कोई चीज मार्क करना डूम डिजास्टर तबाही कैटाकूम्स टूम्ब सिमेट्री तेखाने डीप ब्लू डीप ब्लू कलर का स्काय स्लाइली ट्रिकली क्रैम्ड कन्फाइंड स्लैग वीक ठीक है ये इसके वर्ड मीनिंग्स है चलते हैं टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर दी फॉलोविंग ठीक है बस एम सी क्यूज है सिंपल इनमें से जो सही है उसको टिक करना है ठीक है बेसिकली टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट क्या है द टॉल गर्ल विद हेड डाउन मींस द गर्ल ठीक है तो जो लंबी सी लड़की थी उसका सर ऐसा झुका हुआ क्यों था तो वो क्यों था क्या वो इल एंड एग्जॉस्टेड थी क्या वो बीमार और थकी हुई थी हेड बेंट विथ शेम क्या शर्म की वजह से उसका सर झुका हुआ था हैजटाइडी हेयर क्या उसके बाल गंदे थे तो इसमें से सबसे बेस्ट जो आंसर सूट कर रहा है वो क्या है इज इल एन एग्जॉस्टेड बीमार और थकी हुई ठीक है सेकेंड द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आई आईज मीन्स द बॉय इज ठीक है तो वो जो लड़का था पतला सा दिखने वाला पेपर जैसा उसकी आंखें कैसी बताई गई हैज रेड्स आईज उसका क्या मीनिंग हुआ ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ठीक है लालच अब लालच को तुम ज्यादा बड़े वे में मतलब ले जाना कि लालची था नहीं ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको प्रॉपरली खाना पीने का नहीं मिलता तो उनमें होती है ये चीज़ कि हम ये काश खा सकते हैं ना वो वाला यहाँ लालच की बात हो रही स्लाई एंड सीक्रेटिव थिन हंग्री एंड वीक अनप्लेजेंट लुकिंग ठीक है तो इसमें से कौन सा सही है थिन हंग्री एंड वीक पतला सा था भूखा था कमजोर था स्टंटेड अनलक्कीयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स ठीक है वो जो तीसरे बच्चे की बात हो रही है वो कैसा था हेज एन इनहेरिटेड short वॉर्ट एंड बोनी तो इसमें से ज्यादा करेक्ट कौन सा है कि एक इनहेरिटेड डिसेबिलिटी डिसबिलिटी थी उसके अंदर उसके फादर से आई हुई ठीक है क्लियर नेक्स्ट हिज आईज लिव इन a ड्रीम आई स्कूर केम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स द बॉय इज ठीक है उसकी आइज में क्या था उसकी आइज कहाँ जी रही थी सपनों में ठीक है फिर वो जो ट्री स्कूल का गेम देख रहा था ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ फुल होप इन द फ्यूचर पूरी आशा थी उसे अपने फ्यूचर की मेंटली क्या वो दिमाग से बीमार था डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन क्या वो वहाँ इंटरेस्ट नहीं ले रहा था लेसन से डिस्ट्रेक्टेड था तो इसका आंसर क्या है फुल ऑफ फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर क्योंकि ऑथर क्या बोलते हैं कि इस बच्चों की आंखों में सपने देखने की क्षमता है ठीक है तो इसका आंसर क्या हुआ फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीट्स ठीक है उन बच्चों के चेहरे जो हैं वो रूटलेस वीट से कंपेयर करे गए इसका मतलब दे आर इनसिक्योर दे आर इल फेड आर वेस्टर्स तो वो कैसे हैं बच्चे इनसिक्योर हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू वट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सार क्रीम वाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स ठीक है सार क्रीम का कलर क्या होता है वो बताना है और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ऑथर ने ये वर्ड या एक्सप्रेशन क्यों यूज़ किया है क्लासरूम वॉल्स को दर्शाने के लिए तो पहले तो कलर द कलर ऑफ सार क्रीम इज ऑफ वाइट क्योंकि सार क्रीम का कलर कैसा होता है ऑफ़ वाइट द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट condition of इन lives ऑफ the ऑफ द लाइफ ऑफ द of ऑफ slum स्कूल ठीक है पहले तो उसने कलर बताया था कि कलर कैसा है ऑफ वाइट फिर ये उसने क्यों यूज किया कि बता सके कि वहां की कंडीशन कैसी है ठीक है बिल्कुल मरी हुई सी कंडीशन है वहां की ठीक है वो क्या दर्शा उन बच्चों की लाइफ ठीक है कैसी लाइफ ठीक लाइफ बस ये सिंपल इसका आंसर है नेक्स्ट वॉल्स ऑफ द्लास रूम आर द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर बिल्डिंग्स विद डूम्स वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटिफुल वैलीज हाउ डू दीज कॉन्ट्रास्ट वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन ठीक है तो वहाँ जो वॉल्स थे उन पर क्या क्या चीजें थी शेक्सपियर की पिक्चर थी और मैप था और भी बहुत सारी चीजें थी द पिक्चर दैट डेकोरेट वॉल्स होल्ड अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद दर्ल्ड ऑफ दीज एंड डेरफर्ड पोवर्टी स्ट्राइकन स्लम चिल्ड्रन लिविंग इन क्रैम डार्क पिक्चर ऑन दी वॉल्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी ठीक है तो वो जो वॉल्स है ठीक है वो उस पर जो पिक्चर्स लगी हुई थी वो क्या दर्शा रही है ब्यूटी दर्शा रही है कोई पिक्चर ठीक है कोई दर्शा रही है कि दुनिया कैसी है ठीक है अच्छी चीजें खुशी ठीक है, बट इन बच्चों का क्या था सब चीजें बिल्कुल उल्टी थी इन बच्चों के लिए ठीक है तो बस वो जो पिक्चर्स हैं, वो क्या कर रही हैं? बिल्कुल है इन बच्चों के से, क्लियर वट ड पोएट वॉन्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स हाउ केन देयर लाइफ बी मेड टू चेंज पोएट को उन बच्चों के लिए क्या चाहिए था ठीक है पोएट क्या रिक्वेस्ट कर रहा था वो बताना है ठीक है और इन बच्चों की जो लाइफ है उसमें चेंज कैसे आ सकता है ठीक है तो द पोएट पोइट व पीपल इन अथॉरिटी टू रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वेलिटीज बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग दी ऑब्स्टेकल्स दैट कन्फाइन दी स्लम चिल्ड्रन टू देर अगली एंड फिल दी सराउंडिंग लेट दैम स्टडी एंड लर्न टू एक्सप्रेस दैम सेल्व फ्रीली देन दे विल शेयर द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पैरिटी एंड देयर लाइव्स ठीक है दिस इज एल ठीक है इट इज नॉट एफ इट इज़ एल लाइफ विल चेंज फॉर दी बेटर ठीक है तो वो क्या चाहता था ऑथर क्या चाहता था कि भाई जो अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करे और इन बच्चों की मदद करें ठीक है उनके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें सॉल्व करें ताकि ये बच्चे जो है अंधकार से रोशनी में आ सकें अपना फ्यूचर अच्छा कर सके अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर सके ठीक है इन बच्चों को जो इनके जो स्लम एरिया वाली जो सराउंडिंग है गंदी सी फिलदी सी वहाँ से बाहर निकालो वहाँ से बाहर निकाल के इनको क्या दिखाओ ग्रीनरी दिखाओ ठीक है बीच दिखाओ इनका जो गंदा सा ग्रे कलर का जो आसमान है उसको चेंज करके डार्क ब्लू कलर का आसमान इन्हें दिखाओ तभी ये बच्चे जो है आगे जाके इस चीज़ का फल पा पाएंगे ठीक है जब ये मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा इन्हें और तभी इसी तरीके से इनकी जो लाइफ है उसमें एक चेंज आ सकता है इज दैट क्लियर ठीक है तो ये जो पोम है इट्स कंप्लीटेड ठीक है सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हमने सब कुछ समझ लिया है उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेरी है जस्ट कमेंट योर क्वेश्चन तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ हैव अ नाइस डे